अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो जिससे हम टाइम को मेजर करते हैं। और वो हमारे पास है एक स्टॉपवॉच, हम पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे स्टॉपवॉच के हमारे पास टाइप्स के हैं कौन कौन से। चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं स्टॉपवॉच की। जिस तरह हमने पहले लेंथ को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं, फिर हमने मैथ को मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं, और हम बात कर रहे हैं टाइम को मेयर करने के लिए। और हमें पता है टाइम को मेयर हम स्टॉपवॉच से करते हैं, तो टाइम मेयर करने के लिए हम वी यूज स्टॉपवॉच। ठीक है, स्टॉपवॉच। अब ये स्टॉपवॉच क्या होता है? स्टॉपवॉच हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, टाइम इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स विच यूज टू मेयर टाइम इंटरवल ऑफ एनी इवेंट। किसी इवेंट का टाइम इंटरवल मालूम करने के लिए हम यूज करते हैं स्टॉपवॉच। ठीक हो गया। स्टॉपवॉच की जो टाइप्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये टू टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं, इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल स्टॉपवॉच, इसको हम एनालॉग का भी नाम देते हैं। और दूसरे हमारे पास होते हैं जिसको हम बोलते हैं डिजिटल स्टॉपवॉच। ठीक है, अब मैकेनिकल स्टॉपवॉच क्या है? अगर हम मैकेनिकल स्टॉपवॉच को देखें ना, मैकेनिकल मतलब ये नाम से पता चल रहा है, जो मैकेनिकल जिसको हम खुद हाथ से, वैसे चीज तो हम हाथ से यूज करते हैं, लेकिन ये डिजिटल से थोड़ी डिफरेंट होगी। कैसे? ये ऐसी स्टॉपवॉच होगी जो एक सेकेंड के 10 पार्ट्स करती है, यानी कि बात को अंडरस्टैंड करें, 1 सेकंड के 10 पार्ट्स करती है, 1 को डिवाइड करती है 10 पर, यानी कि 1 सेकंड के ये 10 पार्ट्स करती है, तो 1 को डिवाइड करते हैं 10 पर, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये इसका 0.1 सेकंड, तो इसका लीस्ट काउंट होगा, लीस्ट काउंट मैकेनिकल स्टॉपवॉच का, या इसको बोलते हैं एनालॉग स्टॉपवॉच, उसका लीस्ट काउंट होगा 0.1 सेकंड। मतलब ये टाइम 0.1 सेकंड तक मेजर कर सकती है, एक सेकंड को 10 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर। अगर हम बात करें डिजिटल स्टॉपवॉच की, चले मैकेनिकल पर भी रहते हैं, अब इसमें देखें हम यूज कैसे करते हैं, तो इसके ऊपर ना एक नोब होती है घूमने वाली, जिस तरह पंखे की नोब होती है ना, तो जहां हम स्पीड कम ज्यादा करते हैं, इस तरह एक नोब होती है इसके ऊपर, उस नोब को प्रेस करके हम इसको स्टार्ट करते हैं, उस नॉब को फिर अगेन प्रेस करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगी, फिर थर्ड टाइम प्रेस करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगी, रीसेट मतलब ये वापस जीरो पर आ जाएगी। ठीक है, इसको यूज करने का आसान तरीका होता है कि इसके एक ही नॉब होती है और तीनों काम, स्टार्ट, स्टॉप एंड रीसेट, कितने काम होते हैं? तीन, स्टार्ट, स्टॉप एंड रीसेट, ये तीनों काम एक ही नॉब्स होते हैं अगर हमारे पास मैकेनिकल स्टॉपवॉच है। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं डिजिटल स्टॉपवॉच की, तो डिजिटल स्टॉपवॉच जो होती है ना, इससे थोड़ा डिफरेंस ये होता है कि डिजिटल स्टॉपवॉच होती है वो 1 सेकंड के 100 पार्ट्स करती है। अब डिजिटल स्टॉपवॉच आपके मोबाइल में भी है, अगर आप जहां क्लॉक होता है ना, उसी ऑप्शन में स्टॉपवॉच का भी ऑप्शन होता है। स्टॉपवॉच जब आप स्टार्ट करें ना, तो आप देखेंगे आपके एक्सट्रीमली राइट साइड पर पॉइंट बहुत फास्ट चल रहे हैं, और वो पॉइंट 0 से लेकर 100 तक जाते हैं, 99 तक जाते हैं, उसके बाद फिर सेकंड होते हैं, फिर मिनट्स होते हैं, फिर और होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है जो डिजिटल स्टॉपवॉच होती है वो 1 सेकंड के 100 पार्ट्स करती है, 1/100, तो ये आएगा 0.01 सेकंड, तो लीस्ट काउंट जो होगा डिजिटल स्टॉपवॉच का वो होता है 0.01 सेकंड। और ये बात हम ऑलरेडी मैथ मेजरिंग में और लेंथ मेजरिंग में पढ़ चुके हैं कि वो वाला इंस्ट्रूमेंट हमें एक्यूरेट रीडिंग देगा जिसका लीस्ट काउंट जितना ज्यादा कम होगा। अब मुझे बताएं, मैकेनिकल स्टॉपवॉच का लीस्ट काउंट है 0.1, डिजिटल स्टॉपवॉच का लीस्ट काउंट है 0.01, तो कौन सी वॉच हमें एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट देगी? ऑफ कोर्स वही देगी जिसका लीस्ट काउंट जितना ज्यादा कम होगा, और होगा डिजिटल स्टॉपवॉच। तो डिजिटल स्टॉपवॉच जो होगी ये हमें एक्यूरेट किसी भी इवेंट का टाइम इंटरवल। ठीक हो गया। अच्छा, बात करते हैं यूज कैसे करते हैं डिजिटल स्टॉपवॉच को। तो डिजिटल स्टॉपवॉच से आपने देखी होगी, इसके ना 3 बटन होते हैं, एक राइट पे, एक लेफ्ट पे, एक मिडल में।
अच्छा, अब इनकी जो होती है रेंज में डिफरेंट भी हो सकती है। मतलब एक बटन यूज होता है स्टार्ट करने के लिए, एक बटन यूज होता है स्टॉप करने के लिए, और एक बटन यूज होता है रीसेट करने के लिए। डिजिटल स्टॉप में तीन बटन अलग अलग होते हैं, जबकि मैकेनिकल या एनालॉग स्टॉपवॉच में हमने पढ़ा है कि रीसेट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए एक ही नॉब होती है। ठीक है, तो अच्छा एक और चीज याद रहे कि जो मैकेनिकल स्टॉपवॉच वॉच होती है ना, ये ज्यादा यूज होती है प्लेयर्स में, सॉरी स्पोर्ट्स में, क्योंकि वहां पर 0.01 सेकेंड, 0.002 सेकेंड वो वाली मेजरमेंट नहीं लेनी, तो सेकेंड में लेनी होती है। मैकेनिकल स्टॉपवॉच होती है ज्यादा स्पोर्ट्स में, ग्राउंड में, और जो डिजिटल स्टॉपवॉच होती है ये यूज होती है मोस्टली लेबोरेटरीज में, कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि हमें एक्यूरेट वैल्यू चाहिए होती है, दैट्स व्हाई हम यूज करते हैं डिजिटल स्टॉपवॉच। ठीक होगा, तो ये हमारे पास दो तरह की स्टॉपवॉच होती हैं जो कि हम यूज करते हैं डिफरेंट मेजरमेंट लेने, सॉरी टाइम को मेजर करने के लिए, डिफरेंट इंटरवल के लिए, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। ठीक हो गया, और इसके बाद हम पढ़ेंगे वॉल्यूम को मेजर करने के लिए, वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, तब तक के लिए।